स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज 2022 आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित इस धर्मपुर क्षेत्र जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है उसके लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सचिव लघु एवं सूक्ष्म उद्योग श्री पंकज पांडे जी, एमडी और आयुक्त श्री रणवीर सिंह चौहान जी नोटियाल जी, और जो मैं देख रहा था अभी यहां से बोल रहे थे श्री प्रकाश जी, जो हमारे हुनरमंद बच्चों को, हमारे सब नौजवान युवाओं को आगे लाने के लिए बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, मैं बहुत तन्मयता से वो जब यहां से बोल रहे थे तो उनको देख रहा था। श्री प्रकाश जी एवं मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न विभिन्न सेक्टरों से आए हुए उद्योग समूह के सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो नई नई तकनीकी, नई नई चीजें लाकर अपने नए नए विचार और अपना एक नया नवाचार करने का काम जिनके माध्यम से लगातार हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों मंत्रालयों द्वारा युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को लगातार उनके आइडियाओं को, उनके विचारों को एक धरातल देने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम लगातार उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में नवाचार ना आया हो, नए आइडिया ना आए हो, कि नौजवान जो जिनके पास अपने साधन नहीं है, जिनके माता पिता कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं लेकिन अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको, उनकी प्रतिभाओं को भी काम करने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आज स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, अनेकों क्षेत्रों में ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं, तमाम चाहे मुद्रा लोन की योजना हो, वो सब नौजवानों के और युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो आजादी के बाद हमारा, हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और किसी ने जिस दिशा में सोचा भी नहीं था उस दिशा में सीधे सीधे काम हो रहा है। हम 75वें साल में आ गए और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उस समय भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का एक विभाग बनाया था, कौशल विकास का विभाग बनाया था। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि हमारे सभी नौजवान, सभी युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो उनके जीवन के अभाव, उसकी कमियां, धन का अभाव, साधनों का अभाव उनकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को अवश्य आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, उसको अपनी सहभागिता करने का अवसर प्रदान हो, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि ये सब हमारे युवाओं से, नौजवानों से आगे आने वाले सब हमारे कर्णधार हैं, उनके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है। इसलिए मैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में नहीं जा रहा हूं,
मैं जानता हूं कि आप सब लोग उन योजनाओं को भली भांति पहले से जानते हैं। इस समय केवल मैं आपके विषय पर फोकस कर रहा हूं कि देखिए, अभी यहां से चमोली जी ने बोला, वैसे वो युवा है, बड़ा जोश है, सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं और बिल्कुल थकते नहीं है। पंकज पांडे जी बोल रहे थे, ये तो डॉक्टर भी हैं और यहां भी हैं, सेक्रेटरी भी हुए और आईएएस भी हैं, उससे पहले डॉक्टर भी। हमारे रणवीर जी बैठे हैं, ये भी बहु प्रतिभा के धनी हैं, इनका गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले। और प्रकाश जी तो सबको, कैसे बच्चों को कैसे तराशा जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों में से इतना शानदार सबने काम किया है इनोवेशन को लेकर, जो काम आप सबका अभियान चल रहा है, उसकी वजह से आज भारत सरकार द्वारा जो जारी स्टार्टअप रैंकिंग है, उत्तराखंड राज्य अब एक पायदान आगे और लीडर की श्रेणी पर आ गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों के इनोवेशन के कारण से, आप लोगों की मेहनत के कारण से, आप लोगों की जिज्ञासा और आप लोगों के परिश्रम के कारण से हमको एक लीडर के रूप में स्थान मिला है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप सबका ये प्रोत्साहन भी है कि आप वहां भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य, उनके साथ साथ हमारे राज्य उत्तराखंड को भी एक लीडर की श्रेणी में रखा गया है। और जब आप में से सभी लोगों ने अच्छा काम किया होगा, कुछ हुनर दिखाया होगा, कुछ स्टार्टअप आप ऐसा लेके आए होंगे जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, तभी आज हमारी स्थिति ये आई है। और ये स्थिति किसी की व्यक्तिगत रूप से, इसमें से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। व्यक्तिगत रूप से जब हम काम करते हैं तो उस समय कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, एक समय तक लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, छोटा हमने स्टार्टअप शुरू किया है, कोई नया लेकिन जब समय बीतता जाता है, हमको जब थोड़ी हमारी जान पहचान बढ़ जाती है, हमारा काम बड़ा हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो मैं कहूं कि थोड़ा हम फेमस हो जाते हैं। जब अगर मैं आप लोगों की भाषा में कहूं तो उसको कहते हैं फेमस हो जाना। और जब हम फेमस हो जाते हैं तो शुरू में तो लगता है कि हम एक माँ बाप के बेटे हैं, एक परिवार के भाई हैं या बहन हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस हम मोहल्ले में रहते हैं या हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो उस गांव के लोगों को लगने लगता है कि ये लड़का, ये लड़की, ये बेटा, ये बेटी, ये सब मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि उस शहर के बेटे हो गए हैं, उस शहर के लोगों की सबकी भावना उसके साथ जुड़ जाती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, मेरे क्षेत्र का लड़का आगे बढ़ रहा है, ये लड़की आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे करके वो कभी फिर जिले का नाम रोशन करते हैं, जिले के बाद फिर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके साथ पूरे प्रदेश और देश की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी ये काम कर रहे हैं, ये सच मायने में आप आने वाले समय में प्रदेश और देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि स्टार्टअप का एक कल्चर देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने का भी ऐलान किया है। उस दिन सभी के प्रोत्साहन का डे होता है, तो मैं
निश्चित रूप से ये आप सबको बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, चाहे मैं उसको कहूं कि लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत, कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर भारत भी तभी बनेगा जब हम लोग उसमें सब लोग सहभागी बनेंगे। हमने शुरुआत की है, आज जब हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है, भारत में होता है, हिंदुस्तान में होता है। दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला देश हमारा देश है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। ये भी लीडरशिप है और लीडरशिप के कारण देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अभी मैं आप ही जैसे नौजवानों के बीच में मसूरी गया था, जहां से हमारे पंकज पांडे जी पढ़ के आए हैं, आईएएस बच्चों के बीच में जिनका वो चल रहा था, बाहर ही निकलने वाले थे, 20 और 21 के बैच के थे। तो उन बच्चों से हमने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब बच्चे ही हैं, क्योंकि अब जैसे आप हम लोगों को बच्चा कहते हो वैसे है, वो भी बच्चे हैं हमारे लोग। 24-25 साल के थे तो मैंने पूछा उनकी आयु, किसी की 22 साल, किसी की 24 साल, 23 साल, 23 साल, 24 साल के, और बहुत ज्यादा थे तो 27-28 साल के। तो होता क्या है कि जब वो उस परीक्षा को पास करके आते हैं, उसके बाद सीधे सीधे कहीं कोई SDM बनता है, कोई CDO बनता है, कोई DM बन जाता है कुछ सालों के बाद। तो उनको लगता है कि हम तो सब पढ़ के आए हैं और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में है। तो उनसे मैंने कहा कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है। जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी नाम दिया है, मिशन कर्मयोगी के तहत, तो हमने कहा कि जीवन भर विद्यार्थी जो है, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। जब तक किसी के जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम सब कुछ भर गए हैं। जो भर जाता है तो फिर वो डूब जाता है, इसलिए खाली रहता है तो कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप सब लोग, आज आप लोगों ने अच्छा काम किया, हम लोगों ने, सब लोगों ने यहां पर प्रोत्साहन किया, और इस प्रोत्साहन का अर्थ है कि आपने जो उपलब्धि अभी हासिल की है, इस उपलब्धि को और बढ़ाना है और आगे ले जाना है। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। अब मैं कह रहा हूं, आप ही सबके कारण से लोकतंत्र की यह विशेषता है कि लोकतंत्र में जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है उसको भी किसी बड़ी जिम्मेदारी को कब उसको प्राप्त हो जाएगी पता नहीं चलता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आजकल हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नाम जो अखबारों में कभी नहीं आया, कहीं कोई चर्चा में भी नहीं आया कि ये राष्ट्रपति बनेंगी, ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा के एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहती थी पहले, जरूर अलबत्ता वो विधायक रही उड़ीसा में, मंत्री रही, उसके बाद राज्यपाल भी रही, और इतने सारे पदों पर रहने के बाद फिर वो अपने घर चली गई, गांव चली गई, और उन्होंने कभी कोई आवेदन भी नहीं किया कि मुझे कुछ बना दो, मुझे कोई पद चाहिए। अचानक उनके नाम का ऐलान हुआ, सब लोग सोचने लगे कि इनका नाम तो कहीं था ही नहीं। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। ये समय बदल रहा है, देखिए, एक पहले रामनाथ कोविंद जी आए, उनके बारे में भी कोई नहीं जानता था कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब मुर्मू जी आ गई, बिल्कुल सुदूर के क्षेत्रों में काम कर रही थी, कहीं स्कूल चला रही थी, कहीं गरीब बच्चों के बीच में काम कर रही थी, उनका जीवन भी बड़ा एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि आप कौन कहां बन जाएगा, लेकिन जिसको भी बनाया जाता है, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ
उसका निर्वहन करता है। यही हमारे भारत के संविधान की विशेषता है। कई बार लोग, आप लोगों को भी लगता होगा और कई लोग कहते भी हैं विनोददा, अब मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूं तो एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में गया तो वहां कोई कहने लगे कि हम और बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारे जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले कहने लगे हम और अच्छा काम करते, बहुत सारे डिसीजन लेते, लेकिन ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके कारण से बहुत बार डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनके तुरंत बाद मुझे बोलना था, तो मैंने कहा कि अभी कह रहे थे आप कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण से बहुत सारे काम नहीं कर पाते। इसी प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहां एक गांव में काम करने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर चला जाता है। और जितनी हमको जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देखिए यहां कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है, ये भी तो हमारा लोकतंत्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है भारत, तो इसलिए हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं। और मैं बचपन से एक बात जरूर मेरे मन में रहती थी कि कई बार लोग कहते थे कि उस समय में जो राजनीति शब्द होता था, राजनीतिक क्षेत्र में आना, हमारे वो चाय वाले जो है खूब हंस रहे हैं, तो वो कहते थे अरे यार इसमें जाते, इसमें गुंडे बदमाश ऐसे जब हम पढ़ते थे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, तो वहां ये होता था कि जो भी इस क्षेत्र में आता है उसको ऐसे ही समझा जाता था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीति शब्द बदलने लगा और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में हम काम नहीं करेंगे तो हमको रिकॉग्नाइजेशन होगा। हमें रिकॉग्नाइज होना है, हमें उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, अपने हमारे को मान्यता मिले। अगर हमारे मन में ऐसा विचार है तो हर क्षेत्र में डिलीवरी देनी होगी, बिना डिलीवरी के कुछ नहीं होगा, यानी कि आउटपुट देना होगा। और लाइफ में मैं एक ही चीज कहता हूं कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और अगर कोई काम करना है लंबा, इतिहास बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, और पूरे मनोयोग के साथ अगर हम काम करेंगे तो भगवान भी उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। और कई बार हमको लगता है जैसा विनोद चमोली जी कह रहे थे यहां से कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और कई बार अधैर्य भी हमारे जीवन में आ जाता है। अधैर्य समझ रहे ना, कि थोड़ी देर बाद जो है कुछ काम किया, सफलता नहीं मिली तो हमको लगने लगता है अरे यार छोड़ो इसको, फिर नए काम को पकड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसको भी छोड़ो। तो इसलिए एक जगह पर स्थिर रहना भी बहुत जरूरी है, और हमारे अंदर अगर स्थिरता रहेगी तो ठहराव रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। और मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के अंदर धैर्य भी है, दूरदर्शिता भी है, कर्म भी है, आप कर्म योगी भी हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आज अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, दैनिक जागरण के कार्यक्रम में, तो मेरे मन में एकदम अचानक से ऐसे विषय आया कि इस बार जो हमारी चार धाम यात्रा हुई है, चल रही है, अभी 2 महीना लगभग आज पूरा हुआ है, 6 मई को केदारनाथ जी के कपाट खुले थे। वैसे तो 34 लाख से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर कुल श्रद्धालुओं ने अभी तक यात्रा कर ली है, लेकिन जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है जो बात में, वो अभी 26.5 लाख को क्रॉस कर गया है, जो इस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ है, पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है। और बड़ी चुनौती थी, हमको यात्रा शुरू करी थी, जब यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत चुनौती थी कि कैसे यात्रा चलेगी, कैसे लोगों को सुरक्षित हम वापस पहुंचा पाएंगे, कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की यात्रा में विघ्न बाधा ना हो। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए, चारों धामों के लिए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि को देखने के लिए, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, तो उस दिशा में काफी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले कई सालों से ये यात्रा चल नहीं पाई थी, 2 सालों से यात्रा रुकी हुई थी।
और 2 साल में यात्रा का न चलना, इस बार उसकी उतना ही ज्यादा प्रेशर था। और जब यात्रा शुरू हुई तो एक दिन में लाखों लाखों लोग पहुंचने लगे, जहां केदारनाथ जी में जहां की कैपेसिटी 14,000 13,000 15,000 अधिकतम है, वहां पर 25,000 लोग एक दिन में पहुंचने लगे। और रात को टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाता है, -डिग्री तापमान में चला जाता है। तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान बाबा केदार की कृपा से सारे लोगों की यात्रा अच्छी हो गई। और 2019 का जो हमारा 33 लाख का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तो हम अभी पार कर लिया, दो महीनों में। अभी 4 महीने की यात्रा बची हुई है। इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, और कावड़ यात्रा में भी इस बार अनुमान है कि कम से कम 4 करोड़ लोग आएंगे, क्योंकि वो यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। तो हमने सोचा कि जब 4 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, तो ये 4 करोड़ लोगों के लिए हम कोई ऐसा वो ढूंढे, पंकज जी आप लोग भी ढूंढिए, कि सब लोग जो है भगवान शिव को अपने यहां से जल लेके जाएंगे, भगवान शिव उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो उत्तराखंड क्या है कि समूचे भारत को, समूचे इस संसार को एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम करता है, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण। तो यहां पर एक एक पौधा रोपण करके जाए सकते, लेकिन अब उसके लिए हमें जगह ढूंढनी होगी कि कहां पौधा रोपण करेंगे, वो पौधा सुरक्षित कैसे रहेगा। अगर वो शिव भक्त जो है भगवान शिव के नाम का पौधा लगा दें, और उसकी देखभाल करने के लिए हमारे आप में से जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, इस स्टार्टअप में से सब लोग ऐसा ऐप बनाएं कि वो उनका नाम भी उसमें लग जाए जो पौधा लगाएंगे, और वो पौधा सुरक्षित भी रहे। कोई स्थान हम खोज सकते हैं तो हमें खोजना चाहिए कि कहां लगाएं, क्योंकि अगर इतने लोग एक ही जगह पर लगा देंगे तो उसका तो लगाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। कुछ ये हमारे लिए चैलेंज है कि ऐसा ऐप बनाए जिससे कि कावड़ यात्रा, कावड़ मित्र अपने लाए हुए पौधे को हमेशा देख सकें और उसकी देखभाल कर सकें। कुछ QR कोड से पौधे को मैप कर सकें, क्यों कैसा रहेगा है? हो सकता है कुछ ऐसा कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। अभी हम लोगों ने जो जनरल बजट हमारा आया है, किसी भी राज्य का उन्नति और उसके विकास में बजट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो बजट हम लाए हैं, उससे पहले हमने 2 प्रकार के संवाद किए थे लोगों से। 2 जगह पर हमने इसी प्रकार की मीटिंगें करी, और अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उन ग्रुप से बात करी, उनके इनपुट के आधार पर हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी कार्य उसमें किया है। विशेषकर से पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी महिलाओं को, दूरस्थ क्षेत्रों में इन स्टार्टअप से नया भारत बने, इस अभिलाषा के साथ हमने नया बजट भी पेश किया है। हमारे पास आज टेक्नोलॉजी को जानने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो बनाने का हमने संकल्प लिया है। और वो संकल्प केवल पुष्कर सिंह धामी का नहीं है, वो संकल्प पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है कि हम जब 25 साल के हों तो हम हर दृष्टि से एक आदर्श रूप में हों, हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हो। उसके लिए हमने सब विभागों से भी कहा है कि हमारा जैसे उद्योग विभाग है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, अनेकों अनेक विभाग जो हमारे उत्तराखंड के अंदर चलते हैं, हमने सभी विभागों के लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने 10 सालों का एक रोड मैप बनाएं, और 10 सालों के रोड मैप के साथ 3 सालों का एक रोड मैप अलग से बनाएं कि 9 नवंबर 2025 को जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस जब मनाया जा रहा होगा, उस समय हम कितनी योजनाएं अपने प्रदेश के लिए देंगे जो आने वाले समय में बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जानी जाएं।
और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम नई योजनाएं लेकर आए। नई योजना के साथ साथ अगर किसी अन्य राज्य में भी कोई अच्छी योजना चल रही है तो उस योजना को भी हम अपने यहां शुरू कर सकते हैं, उस योजना को भी अपने यहां लागू कर सकते हैं।